हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आईसीएसई क्लास 10th हिस्ट्री सेकंड चैप्टर राइस ऑफ नेशनलिज्म एंड बर्थ ऑफ द कांग्रेस। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर मेरी वीडियो देखिए, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और द रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्योंकि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस यही है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। Now let's discuss about nationalism. So firstly we need to know what is nationalism. So it is the feeling of oneness among the people of nation. लोगों के अंदर जो एकजुटता या फिर कह सकते हैं ब्रदरहुड की भावना उत्पन्न होती है उसे ही नेशनलिज्म कहते हैं। जैसे अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर ये फीलिंग है कि हमारे लोगों के ऊपर, हमारे देश के लोगों के साथ गलत हो रहा है, ये अंग्रेज़ पराए लोग हैं, हमारे लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इसी फीलिंग को नेशनलिज्म कहते हैं। जब हमारे लोगों के ऊपर हो रहा अत्याचार देखकर हमें दुख होता है, इस ही फीलिंग को नेशनलिज्म कहते हैं। द फीलिंग oneness, togetherness, belongingness is known as nationalism. I hope you got understood about the nationalism. Now let's discuss about the factors contributing to the growth of nationalism. वो क्या factors थे जिनकी वजह से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की feeling उत्पन्न हुई? तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स ने हमें कई तरीके से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया था। इंडियंस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके और हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बना के दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स को लेकर आए, जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट से ज़्यादा चीप थे। क्या करते थे कि वो खुद का इम्पोर्ट टैक्स तो बहुत कम लगाते थे, और हम जो चीज़ एक्सपोर्ट करते थे उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, जिससे जो हमारी इंडियन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई, और हैंडमेड प्रोडक्ट्स मशीन मेड प्रोडक्ट से कॉम्पीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लोगों के दिल में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नफरत पैदा हो गई, लोगों के दिल में नेशनलिज्म की फीलिंग उत्पन्न हुई। सेकेंडली, ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जो फार्मर्स थे उनको अपने हिसाब से क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फोर्स करते थे। वे फार्मर्स से हाई लैंड टैक्स वसूल करते थे, चीप प्राइस में उनसे क्रॉप्स खरीदते थे, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता था। देखो, इंटरनेशनल मार्केट में कैश क्रॉप्स जैसे इंडिगो, ओपियम, जूट, कॉटन, इन सब की डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फूड क्रॉप्स, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडियन फार्मर्स को कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स करते थे, जिससे फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज हो गई और खाने की चीज़ जैसे दाल, चावल, गेहूँ, इन सब का भाव आसमान छूने लगा। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडियन को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया था। दैट्स वाई इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए, अगर कोई नेचुरल कलामिटीज़ आ जाता था, जैसे फ्लड हो गया या भारी बारिश हो गई, तो इसकी वजह से अगर किसानों की फसल बर्बाद भी हो जाती थी ना, तब भी इनकी तरफ से कोई मुआवजा तो देने की बात तो दूर, उल्टा ये तब भी टैक्स मांगते थे। किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई है तो ऊपर से बेचारा लॉस में है, फिर भी ये टैक्स वसूल कराते थे। इनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था और कुछ नहीं चाहिए था। इसी वजह से लोगों के दिल में राष्ट्रवाद की और नेशनलिज्म की फीलिंग उत्पन्न हुई। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सेकेंडली आता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड रिपर्सिव पॉलिसीज़। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो अपने आप को इंडियन से बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे। जैसे ट्रेन में ब्रिटिशर्स एक अलग ही कंपार्टमेंट में ट्रेवल करते थे, उनका कंपार्टमेंट ही अलग होता था, उसमें कोई भी इंडियंस अलाउ नहीं था। वैसे ही इनके कई क्लब्स और होटल्स में इंडियंस को जाना अलाउ नहीं था। वहीं कहीं कहीं तो क्लब्स और होटल्स के बाहर लिखा होता था कि इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि इंडियंस को किस तरीके से ट्रीट करते होंगे। वहीं पे जो हेडक्वार्टर्स और एक्सक्लूसिव रेसिडेंशियल एरियाज पे इंडियंस को जाना अलाउ नहीं था, उसे सिविल लाइंस कहते थे। अगर कोई इंडियन सिविल लाइन क्रॉस करता था ना, तो उसे पनिश किया जाता था। वहीं पे क्या होता था कि अगर कोई ब्रिटिश या कोई इंडियन क्राइम करता है, तो जो इंडियन अगर कोई कुछ क्राइम करता है तो उसे बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। वहीं सेम क्राइम के लिए इंग्लिश मैन या ब्रिटिश कोई क्राइम करता था तो उसको बिल्कुल नॉमिनल सी पनिशमेंट दी जाती थी, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। वहीं पर इंडियंस को हायर पोस्ट पर प्रमोट नहीं किया जाता था, फिर चाहे वो कितने ही ज़्यादा क्वालिफाइड क्यों ना हो, हमेशा हायर पोस्ट पर ब्रिटिशर्स ही रहते थे। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट द ICS एग्जामिनेशन। देखो, इंडियन सिविल सर्विसेज एक एग्जामिनेशन था इंडियंस के लिए कि वो सिविल सर्विस में काम कर पाए। लेकिन क्या हुआ ना कि इन ईयर ऑफ 1877 ICS एग्जामिनेशन की एज लिमिट
21 ईयर्स से घटाकर 19 ईयर्स कर दी, जिसकी वजह से इंडियंस के लिए सिविल सर्विस में जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। मतलब इतनी उम्र में तो इंसान को अच्छे से खबर ही नहीं होती, सिविल सर्विस जैसी एग्जामिनेशन को क्रैक करना तो बहुत बड़ी बात है। सो दिस इज ऑल्सो ए वन ऑफ द फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। लोग एकजुट हुए, लोगों ने कहा कि हमारे साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। नो टॉक अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसे कहते हैं द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए क्या हुआ था ना कि 1870s के आसपास बहुत से न्यूज़पेपर्स इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट होते थे, जिसमें अंग्रेज़ों की हार्श पॉलिसीज़ को एक्सपोज किया जाता था, लोगों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भड़काया जाता था। मतलब उनकी जो क्रूरता था उसके बारे में बताई जाती थी, उनकी जो मिस्टेक है और फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके बारे में बताया जाता था, जिससे लोग एजुकेट हुए और लोगों के अंदर नेशनलिज्म का मैसेज स्प्रेड हुआ ऑल ओवर द इंडिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन 1878 लॉर्ड लिट्टन नाम याद रखना और सन भी याद रखना, 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या था ना कि कोई भी जर्नलिस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ नहीं छाप सकता। मतलब जितने भी न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे वे प्रिंट होने से पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिखाने होंगे, जिसमें से एंटी गवर्नमेंट पार्ट को रिमूव कर दिया जाता था। सो देखिए ना, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये याद रखना कि ये 1878 में आया था, उसे लॉर्ड लिट्टन ने इंट्रोड्यूस किया था। नाउ नेक्स्ट कम टू द आर्म्स एक्ट। देखो आर्म्स एक्ट भी 1878 में लगाया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था ना कि इंडियंस को लाइसेंस की ज़रूरत होगी अगर उन्हें वेपन्स को कैरी करना है तो। अगर उनको कुछ वेपन रखना है तो पहले उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, तभी वो किसी वेपन को रख सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था कि यार ब्रिटिशर्स तो बिना लाइसेंस के वेपन्स रख सकते हैं, लेकिन इंडियंस को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और जब लाइसेंस मिलेगा तभी वो वेपन रख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ए वन ऑफ द फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि यहाँ पे सरासर दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। नाउ सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स कम्स अंडर द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड रिप्रेसिव पॉलिसीज विच इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सो दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट वन। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो वो वीडियो जाकर जरूर देखना।